अर्षित आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हमें तो नहीं। हर्षित, हर्षित, ओके, तेरा कोऑर्डिनेशन हो गया है? अच्छा, तुम सबका ही हो, तेरा भी हो गया, योग तक अभी हो गया है ना? योग ना, कोऑर्डिनेशन हो गया ना? जी सर। पक्की बात? हाँ। तो हम पढ़ रहे थे आयोनिक, और आयोनिक में भी हम पढ़ रहे थे क्या, पीएच निकालना है ना? ओके जी। तो लिखो पीएच। पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और हिंदी में इसका मतलब होता है हाइड्रोजन की शक्ति, अगर जरूरत है तो। क्लियर? आगे बढ़े है? बढ़े भैया आगे। जो पीएच टर्म्स था वो हेंडरसन ने दिया था। किसने दिया था? हेंडरसन। देखो ये लिखा हुआ सही दिख रहा है क्या? साफ? यस सर। तो जो एस, तो ये एसपीएल हेंडरसन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने ये टर्म्स हमको दिया। ठीक है। अब जो पीएच स्केल है ना, पीएच स्केल, पीएच स्केल बेस्ड ऑन केडब्ल्यू, ये केडब्ल्यू पर बेस्ड है। पीएच का स्केल किस पर बेस्ड है? केडब्ल्यू पर। केडब्ल्यू पर, डब्ल्यू पर नहीं, केडब्ल्यू पर। अब हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि 25 डिग्री टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू इतनी होती है। ओके। और अगर अपन pKw इसका लॉग ले लें तो यही प्रॉपर, यही कितना हो जाएगा? 14। तो जो pH का स्केल है वो 0 से लेकर 14 तक है, और 7 पे सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा, सॉरी 7 पे न्यूट्रल हो जाएगा, 0 से 7 तक एसिडिक रहेगा, और यहाँ 7 के बाद में बेसिक रहेगा, और 7 पर न्यूट्रल, 7 पर न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर? अब अगर ये स्केल 25 डिग्री पर है, अगर हम 90 डिग्री पर स्केल बनाए तो 90 डिग्री पर केडब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाती है? -12। ये हो जाती है 1 × 10⁻¹⁻², और pKw की, ये केडब्ल्यू की वैल्यू है, और जो pKw की वैल्यू है वो हो जाएगी 12। तो जो अब स्केल है ना वो सिकुड़ जाएगा और 12 तक ही रह जाएगा। तो 90 डिग्री पर यहाँ पर 6 के बाद में ही बेसिक हो जाएगा, और 6 से कम पर ही न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर? एसिड। हाँ क्लियर। पीएच बस यही इतनी। ठीक है। और अगर 0 डिग्री पर पूछे तो ये स्केल बढ़ जाएगा और 16 तक पहुंच जाएगा। जनरली 0 वाला आज तक नहीं आया है, और 8 के बाद बेसिक हो जाएगा। क्लियर? और 8 तक कैसा रहेगा? एसिडिक रहेगा। 8 तक एसिडिक रहेगा। क्लियर? इस स्केल को आप कॉपी कर लो आराम से। Kw हो गया भैया कॉपी? आगे बढ़े जी सर। अब यहाँ पर ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन आ सकता। स्केल है 90 पे 12 तक होता है, 0 पे 16 तक होता है और नॉर्मल ये है। ओके, तो आपको हम अभी समझे। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या होगा। वो कहेगा 25 डिग्री टेम्परेचर पर किसी सब्सटेंस की pH 6.3 है, तो बताओ इसका नेचर क्या होगा। तो इसका नेचर एसिडिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर उसने क्वेश्चन ये कहा कि 90 डिग्री पर pH 6.3 है, तो बताओ अब क्या हो जाएगा? बेसिक। तो अब क्योंकि 6 पर न्यूट्रल होता है, तो अब इसका नेचर बेसिक हो जाएगा। क्लियर? तो जनरली इसका जो क्वेश्चन होता है वो 6.1 से लेकर और 7 के बीच में ही आता है, क्योंकि उसके बाद ये क्वेश्चन क्रिएट नहीं होता और उसके नीचे भी क्वेश्चन क्रिएट नहीं रहता, क्योंकि 6 के नीचे हमेशा एसिडिक रहेगा और 8 के ऊपर हमेशा बेसिक रहेगा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली 6 और 7 के बीच में ही आता है और मोस्ट प्रोबेबली यही आता है। क्लियर? दोनों को बढ़े फिर आगे। बढ़े आगे। यस सर। अब जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होता है वो pH की पावर ऐसे होता है। तो अगर हम इसको pH की टर्म्स में लिखते हैं तो इसको हटा देते हैं और सिंपली फॉर्मूला लिखते हैं। ये pH निकालने का फॉर्मूला है, एसिड की pH निकालने और बेस की क्या है pOH निकलती है। तो बेस के लिए OH माइनस आ जाएगा। क्लियर? दोनों का सम हमेशा 14 होता है। pH और pOH के सम हमेशा 14 होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि pH इज इक्वल टू log 1H प्लस या H3O प्लस। H3O प्लस इज बेटर देन H प्लस, ठीक है ना, क्योंकि H प्लस एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सिर्फ बाई कन्वेंशन लिखा हुआ आ रहा है तो चल रहा है। यहाँ फॉर्मूले में किसी को डाउट है तो कोई मुझे बता सकता है। आगे बढ़े, हम आगे देखते हैं। अब कहीं पे लिख लो एक लाइन, बोलो जी। चेंज इन 1 pH change in 1 pH unit, ठीक है ना। अगर हम pH में 1 यूनिट का चेंज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन 10 फोल्ड चेंज होगा। कॉन्सेंट्रेशन कितने फोल्ड, कितने फोल्ड? 1 यूनिट pH में चेंज करने पर कॉन्सेंट्रेशन कितने फोल्ड चेंज होगा? क्लियर? 10 फोल्ड। अरे कोई डाउट है क्या? अरे ऑनलाइन वालों कुछ डाउट है? नहीं सर। 1 pH से, तो आप ध्यान से देखना कैसा क्वेश्चन आएगा। pH जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाइल्यूशन होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशन होती है। लिख लो, मतलब अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो pH क्या हो जाएगी हर्षित? हर्षित बढ़ जाएगी। हर्षित, ओ हर्षित, योगिता बढ़ जाएगी सर। हेलो, हर्षित, योगिता। जी सर।